बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर बिहार की राजनीति में संग्राम मचा हुआ है। अब तक विपक्ष के तेवर ही बहुत सख्त थे, लेकिन अब महागठबंधन में भी घमासान की स्थिति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने शहाबुद्दीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि जिसको दिक्कत है वो महागठबंधन से बाहर जाए। चौधरी ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें महागठबंधन में कोई खास जगह नहीं मिली, इसीलिए वे उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं, साथ ही उन्होंने रघुवंश प्रसाद के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि वे बार बार उनके मना करने पर भी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, मैं उनको बुलाकर बात करूंगा। हालांकि इस दौरान लालू ने शहाबुद्दीन के उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसमें शहाबुद्दीन ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। बल्कि यहां लालू शहाबुद्दीन का बचाव करते हुए नजर आए। लालू ने कहा कि अगर उन्होंने अपने नेता को लेकर कुछ बोला है तो क्या गलत बोला है। जाहिर सी बात है कि यहाँ लालू ना तो नीतीश को नाराज करना चाहते हैं और ना ही शहाबुद्दीन को, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है उससे साफ है कि महागठबंधन में दरार पड़ रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।